हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है अपना यूनिट नंबर 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें कोई समस्या अगर हो तो आप बता देना। ठीक है, अभी तक तो किसी को दिक्कत आई नहीं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे आगे IUPAC नॉमनक्लेचर के बारे में। इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? नामकरण करने की दो पद्धतियाँ होती हैं। एक तो होता है अपना, हाँ जी, एक तो होता है अपना सामान्य नामकरण, मतलब इसको अपन बोलते हैं कॉमन नेम। ठीक है, एक होता है अपना IUPAC नामकरण, जिसको अपन बोलते हैं IUPAC नॉमनक्लेचर। तो दोनों तरीके से अपन इसका नॉमनक्लेचर सीखेंगे, जिसमें IUPAC नॉमनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको भी अपन सीखने वाले हैं यहाँ पर। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। इसका नाम है IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं अपन IUPAC नॉमनक्लेचर। देखो, हाँ जी, कार्बोनाइल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना। देखिए, नाम पद्धति जो होती है, मतलब नॉमनक्लेचर सिस्टम जो होते हैं, वो दो होते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम, एक होता है अपना IUPAC नेम। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, सरलतम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बोनाइल यौगिक हैं, और इनके नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं, दो इनके सिस्टम्स हैं। ठीक है, एक तो अपना कॉमन नॉमनक्लेचर और एक होता है अपना IUPAC नॉमनक्लेचर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम की यदि हम डिस्कस करें इसको, तो देखना एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राय IUPAC नाम पद्धति की अपेक्षा अपने सामान्य नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन कुछ तो अपन देखेंगे, बहुत जनरल जनरल नाम हैं इनके, वो अपन देखने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, बेंजल्डिहाइड में यदि आप ऑर्थो पोजिशन पर ओएच जोड़ देते हो, उसका नाम हो जाता है सैलिसिलएल्डिहाइड। सही है, मैंने आपको बोला था कि वेनिलिन मैंने आपको बताया था, सिनेमल्डिहाइड मैंने आपको बताया था। तो वो सब क्या थे? कॉमन नेम थे। वो क्या थे? कॉमन नेम। कॉमन नेम जो होते हैं, सामान्य नाम जो होते हैं, वो उनके अकरेंस कहाँ से वो मिलते हैं, नेचर में वो कैसे मिलते हैं, ठीक है, कहाँ वो पाए जाते हैं, तो उनके आधार पर दिए जाते हैं वो नॉमनक्लेचर। ठीक है, या फिर कोई किस किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, तो उनके नाम पर भी वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनका पैटर्न। क्लियर, कोई समस्या हो तो बताओ। देखो आगे अपन पढ़ते हैं अपन इनकी कॉमन नॉमनक्लेचर के बारे में। एल्डिहाइड के सामान्य नाम संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंग्रेजी में लिखे सामान्य नाम के अंत में स्थित अनुलग्न इक के स्थान पर एल्डिहाइड अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो भी कंपाउंड होगा, ठीक है, उसके लास्ट में अपने क्या लगाएंगे? एल्डिहाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल्डिहाइड लगाएंगे। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CHO है, अपन क्या बोल देंगे? बेंजल्डिहाइड। क्या बोल देंगे? बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से अपन इनका नॉमनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, ओके। साथ ही कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड के नाम में वास्तविक स्रोत का नाम लैटिन या ग्रीक में प्रतिबंधित होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो बात बोली ना, ये वाली क्या बोला है इन्होंने, एल्डिहाइड के सामान्य नाम संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंग्रेजी में लिखे सामान्य नाम के अंत में स्थित अनुलग्न इक के स्थान पर एल्डिहाइड अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। देखो क्यों ऐसा क्यों बोला इन्होंने, इक हटाया, मतलब पहले तो कार्बोक्सिलिक, इनके कारस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनके उनका जो नामकरण होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें इक होता है। क्या होता है? इक। तो उस इक को हटाओ और एल्डिहाइड लगाओ। कैसे? आओ इधर देखो, ये होता है अपना क्या, एसिटिक एसिड। हाँ जी, इसको अपन क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। देखो एसिटिक अम्ल, एसिटिक, हाँ जी, अम्ल। ठीक है, ये होता है इसका नाम। इंग्लिश में देखिए पता, तो इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। देखो अब समझना इस बात को बहुत ध्यान से। इन्होंने क्या बोला कि अब आपको नॉमनक्लेचर करना है किसका? इसका CH3CHO का। ठीक है, तो इसका ये जो CH3CHO है भैया, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल तो यही बनेगा ना। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन कराओ तो यही तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब एल्डिहाइड का आपको नामकरण करना होता है, ये एल्डिहाइड है अपना, ठीक है, इस एल्डिहाइड का आप नाम जो नामकरण करोगे, वो इसके इसका संगत, इसका जो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या करोगे? उसी को उठाओगे आप, एसिटिक अम्ल को उठाओगे, और क्या करोगे? इस एसिटिक अम्ल को उठाकर लास्ट में एक हटा दोगे। क्या हटा दोगे यहाँ से? ये आप जो एक लगा हुआ है, ये एक, इसको हटाओ, मतलब एक अम्ल को हटाओ और एल्डिहाइड लगाओ। भैया देखो, अनुलग्न एक को के स्थान पर एल्डिहाइड अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। देखो इसका नाम क्या था? एसिटिक अम्ल। तो भैया हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे, मतलब एसिड बोलेंगे पहले और फिर एल्डिहाइड लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिट एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। क्यों होगा? समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि जो एल्डिहाइड होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग आप पहले उनकी कार्बोक्सिलिक अम्ल देखोगे, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नाम होगा भैया, उसके नाम के अंत में एक
अम्ल लगा होगा, क्या लगा होगा, एक अम्ल, एक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्या लगा होगा, एक अम्ल, एक अम्ल को हटाओ या एक को हटाओ वहाँ से और एल्डिहाइड चिपका दो, ठीक है, आपके सामने क्या बन जाएगा, उस एल्डिहाइड का नाम बन जाएगा। ये तो बात हुई सामान्य नाम की, इसकी बात हुई सामान्य नामकरण की, ठीक है। उसी तरीके से ये तो हो गया एल्डिहाइड के बारे में, मतलब सिंपल के बारे में, ये होता है बेंजोइक अम्ल, क्या होता है ये, बेंजोइक अम्ल, ये लो भैया। यदि आपको इसका नामकरण करना है भैया, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, क्या होता है, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक अम्ल। देखो लास्ट में एक एसिड आ रहा है, एक अम्ल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस एक को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड, उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ले भैया उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया एल्डिहाइड लगा दिया हमने लास्ट में, ठीक है, एक को हटाया और एल्डिहाइड, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग जितने भी, हाँ जी, जितने भी एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर उठाते हैं, लेकिन उनके एक हटाकर हम क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड लगा देंगे, मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ चुका है ये, ठीक है, ओके। कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी की स्थिति को ग्रीक अक्षरों अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन देखो ये तो अपना सिंपल हो गया, बिल्कुल ये तो अपना क्या हो गया, सिंपल हो गया, लेकिन भैया यदि किसी पूरी कार्बन श्रृंखला में कहीं पर कोई सब्सिट्यूएंट जुड़ा हो, कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो, तो उस प्रतिस्थापी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भैया यदि हम 1 2 3 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से अपन प्रदर्शित करते हैं, तो भैया वो तो IUPAC में करते हैं, तो सामान्य नामकरण हम कैसे करेंगे, भैया मैंने आपको सिखा रखा है सामान्य नामकरण में आप क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी क्रियात्मक समूह होगा, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से आप क्या करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे, देखना भैया कैसे, आ जाओ भाई साहब, देखो जैसे आपका ये होता है, हाँ जी, CH3CHO है, क्या है, CH3CHO, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यदि आपने क्या करा, यहाँ पर इस CH3 को हटाकर एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर आपने जोड़ दिया ब्रोमीन, लो भैया आप कैसे नामकरण करोगे इसका, तो भैया इसका सिंपल सा तरीका है, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके फर्स्ट, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस अपन बोलेंगे, देखो अगर ये BR नहीं होता तो इसका नाम क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। अब ये BR आ गया, कौन से क्वेश्चन पर आया, अल्फा पर, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा, अल्फा को ऐसे डिनोट कर दो या ऐसे कर दो, एक ही बात है, ठीक है। लो भैया अल्फा ब्रोमो, क्या बोलेंगे अपन, अल्फा ब्रोमो, हाँ जी, एसिटिल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, एसिटिल्डिहाइड, लो भैया अल्फा ब्रोमो एसिटिल्डिहाइड, बताओ भैया कोई समस्या है क्या इसमें, अल्फा ब्रोमो एसिटिल्डिहाइड में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना अल्फा ब्रोमो एसिटिल्डिहाइड, क्लियर है, ओके। इसी तरीके से एक होता है अपने पास ब्यूटाइलडिहाइड, क्या होता है, ब्यूटाइलडिहाइड, वो क्या होता है, देखो ये अगर 4 कार्बन का, हाँ जी, एल्डिहाइड है, तो इसका नाम क्या होता है, ब्यूटाइलडिहाइड, देखो भैया ब्यूटाइलडिहाइड, हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको, ब्यूटाइलडिहाइड, ये लो भैया ब्यूटाइलडिहाइड, ये होता है, सही है, देखना ये तो इसका नाम हो गया ये वाला। लेकिन यदि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखो इस CH2 को हटाता हूँ यहाँ से, क्या करता हूँ, इस CH2 को हटाता हूँ इधर से, यहाँ एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने क्या लगा दिया, BR लगा दिया, क्या लगा दिया, BR। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि भैया ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या अपने पास क्रियात्मक समूह है, इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, सही है, अल्फा बीटा गामा कार्बन हो गया ये, क्लियर। बीटा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, BR जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, BR, ये बीटा पोजीशन पर क्या जुड़ गया, BR। तो भैया आप इसका नामकरण कैसे करोगे, अगर ये BR नहीं होता तो इसका नाम क्या था, ब्यूटाइलडिहाइड, लेकिन अब इसका नामकरण क्या हो गया, अब इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, भैया बीटा पर क्या जुड़ गया, हाँ जी ब्रोमो, बीटा ब्रोमो, और इसका जो नामकरण होगा वो है ये ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, ठीक है, ये इसका होता है नामकरण, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका नामकरण करना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए, हाँ जी, तो इन्होंने जो बात बोली थी वो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि से प्रदर्शित करते हैं उनकी पोजीशन को, अल्फा उस कार्बन परमाणु कहते हैं जो सीधे एल्डिहाइड समूह के कार्बन परमाणु से, हाँ जी, संलग्न होता है, जुड़ा रहता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो क्रियात्मक समूह है, या एल्डिहाइड का हुआ, कीटोन का हुआ, उससे जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन होता है
उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, उससे अगला बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, इस तरीके से सीरीज चलती है ये। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तत्पश्चात बीटा कार्बन तथा अन्य इसी क्रम में आगे चलते हैं। उदाहरण जैसे ये है, ये एसिटाइल्डिहाइड है, ये बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन ब्यूटाइल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको अपन? ब्यूटाइल्डिहाइड। ये अल्फा, बीटा, गामा, तो बीटा पोजीशन पर अपन ने क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन। इसका नाम क्या हो गया? बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड। क्या हो गया? बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड। लो भैया, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पर, ये तो हो गया एल्डिहाइड के बारे में। एक बार अपन कीटोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? कीटोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइए। कीटोनों के सामने नाम व्युत्पन्न करने के लिए कार्बोनिल समूह से जुड़े दो एल्किल या एरिल समूहों का नामकरण किया जाता है। मतलब दो एल्किल या एरिल समूह का क्या करते हैं अपन? नामकरण करते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है जैसे अपन ईथर में करते थे ना, आपको याद हो तो भैया आर ओ आर ये था, वहाँ पर अपन क्या बोलते थे? अगर ये एल्किल दोनों समान है, दोनों एल्किल समान है, तो अपन क्या बोलते थे? डाई एल्काइल ईथर। क्या बोलते थे? डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग हैं, तो भैया हम दोनों एल्किल को क्या करते थे? अल्फाबेट ऑर्डर में जमाते थे, और फिर हम देखते थे जो अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है उसका नामकरण करते थे। जैसे भैया सिखाया मैंने आपको ये CH3O CH3, दोनों मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर। अपन पूरा ही लिख देते थे, जो ईथर होता था ईथर ही लिख दिया अपन ने। ठीक है, ऐसे ही अगर ये होता अपने पास CH3O C2H5, अब इसको बोलते हैं इथाइल, ई से स्टार्ट होता है मिथाइल, एम से स्टार्ट होता है, तो भैया इसका नाम क्या हो गया? पहले इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो इथाइल, फिर एम बाद में आता है मिथाइल, और वही ईथर लिख देंगे अपन। ठीक है, ये तो हो गया किसकी बात? हाँ जी, ये तो हो गई अपने ईथर की बात। कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन में तो वही स्थिति है, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया बस यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह, एक आर और ये आर। यदि दोनों एल्काइल सेम है तो हम क्या बोलेंगे? डाई एल्काइल कीटोन। क्या बोलेंगे? डाई एल्काइल कीटोन। यदि दोनों अलग अलग हैं तो भैया अल्फाबेट में जमाएंगे उनको, और अल्फाबेट ऑर्डर में जमाने के पश्चात हम क्या करेंगे? जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिख देंगे, और हम क्या बोलेंगे कि ये हो गया एल्काइल एल्काइल कीटोन। जैसे एक मिथाइल होगा एक इथाइल होगा, तो हम क्या बोलेंगे? इथाइल मिथाइल कीटोन। यदि दोनों अगर क्या होंगे, हाँ जी, मिथाइल होंगे, तो डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन कुछ उनके सामान्य नाम भी होते हैं, जैसे अगर दोनों मिथाइल आ जाएं उसको अपन बोलते हैं एसीटोन। डाई मिथाइल कीटोन तो बोलते ही हैं, लेकिन उसको अपन एसीटोन भी बोलते हैं, और एसीटोन ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आइए देखिए। हाँ जी, क्या बोला इन्होंने? कीटोनों के नाम व्युत्पन्न करने के लिए कार्बोनिल समूह से जुड़े, हाँ जी, दो एल्किल एरिल समूह का नामकरण किया जाता है। प्रतिस्थापन की स्थिति को ग्रीक अक्षरों अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश, वही बात है। अब इस एल्काइल ग्रुप में जितने भी ग्रुप आएंगे भाई, क्या पता कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, यदि इससे जुड़ता है तो अपन एक को अल्फा बोलेंगे, और यदि यहाँ पर जुड़ता है तो भैया उसको अल्फा डैश बोल देंगे अपन। सही है, समझाऊंगा इसको, देखो बहुत समझाऊंगा अच्छे से आराम से। द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अल्फा अल्फा डैश कार्बन परमाणु वे होते हैं जो सीधे कार्बोनिल समूह से संलग्न होते हैं। जैसे देखो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये मतलब ग्रुप है अपना, और यहाँ पर एक जुड़ गया CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ गया? CH2 CH3। सुनना भैया आप ध्यान से, देखो अब भैया अल्फा कार्बन तो ये भी है, ये भी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। सही है, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दोनों को अल्फा तो बोल नहीं सकते अपन, तो हम क्या बोलेंगे भैया? एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे अल्फा डैश, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे बीटा डैश, इसको बोलेंगे गामा, यहाँ पर होता है तो हम क्या बोलते हैं? गामा डैश। तो इस तरीके से अपन इनका नामकरण करेंगे फिर। ठीक है, यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ता है तो भैया हम बोलेंगे बीटा, हाँ जी बीटा ब्रोमो, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम। ठीक है, यहाँ जुड़ता है तो अल्फा डैश, हाँ जी, फिर पहले इस एल्काइल का नाम, फिर इस एल्काइल का नाम, और लास्ट में कीटोन। तो इस तरीके से हम इनका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। ठीक है, हाँ जी, कुछ कीटोनों के ऐतिहासिक नाम होते हैं, सामान्य नाम होते हैं, जैसे कि भैया ये रहा एसीटोन, एसिटोफिनोन, समझाऊंगा इनके बारे में अच्छे से। ठीक है, जैसे सरलतम डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन बोला जाता है, जैसे मैंने इसका नाम क्या बताया था अभी, मिथाइल मिथाइल, तो क्या हो गया ये? डाइमिथाइल कीटोन। क्या हो गया? डाई मिथाइल कीटोन। लो भैया, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे ईथर का करते थे वैसे अपन कीटोन बोल देंगे, बस फर्क इतना सा है, अगर आपने आपको ईथर का आता है तो भैया आपको कीटोन का भी आता होगा और आ गया होगा। सही है, आइए, डाइमेथिल कीटोन को एसीटोन कहते हैं। एल्किल फेनिल कीटोन का नाम लिखने के लिए एसिल समूह के इस नाम को फिनोन शब्द के साथ पूर्वलग्न की तरह जोड़कर लिखा जाता है, जैसे ही है। देखो अब समझाता हूँ मैं वापस से एक बार, मेरे साथ सब जो मैंने पढ़ा वो तो आपके समझ में आ चुका है, एक बार अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। आइए देखो, ये अपने पास है, इसका एक नाम क्या बताया था अभी? डाइमेथिल कीटोन। ये रहा, क्या रहा? डाइमेथिल कीटोन। इसका सिंपल नाम क्या होता है? एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका हम नाम देखें तो इसका नाम होता है मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल, ये फिनाइल, इसका नाम क्या है? मिथाइल, हाँ जी फिनाइल, हाँ जी कीटोन। क्या नाम हो गया? मिथाइल फिनाइल कीटोन। लेकिन
भैया इसका एक सिंपल नाम भी है, एसिटोफिनोन। क्या है एसिटोफिनोन? क्योंकि ये जो ग्रुप होता है ये वाला बेंजीन सी ओ, इसको अपन बोलते हैं फिनोल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनोन। क्लियर? क्योंकि फेनिल प्लस ऑन क्या हो गया? फिनोन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसको आओ देखो, यहाँ पर तीन कार्बन है, एक दो तीन, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया? प्रोपियो। ये तो क्या हो गया? प्रोपियो, तीन कार्बन की वजह से, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं फिनोन। तो भैया क्या हो गया? प्रोपियो फिनोन। यहाँ पर एक कार्बन को अपन एसिड बोलते हैं, आपको पता होगा CH3COOH एसिटिक अम्ल बोलते हैं ना अपन उस चीज़ को। तो आप ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ पर एक कार्बन था इसलिए यहाँ क्या बोला? एसिटोफिनोन। यहाँ तीन कार्बन है इसलिए क्या बोल दिया भैया? प्रोपियोफिनोन। देखो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? बेंजीन। तो इसका नाम क्या रख दिया? बेंजोफिनोन। क्या रख दिया? बेंजोफिनोन। देखो इसको अपन ने कैसे रखा, इसको भी समझ लो भैया। इसको तो अपन क्या बोलते हैं? फिनोन। और ये क्या है? बेंजीन। तो भैया बेंजोफिनोन क्या हो गया? बेंजोफिनोन। तो ये कीटोन का इस तरीके से सामान्य नामकरण किया जाता है। बोलो भैया कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया सामान्य नामकरण किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। अब एक बार अपन आते हैं IUPAC नामकरण पर। आइए। हाँ जी, देखो समझना इसको। IUPAC नामकरण में अपन क्या करते हैं? IUPAC नामकरण बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC नामकरण को करने के लिए आपके पास जो नियम है उन्हीं नियमों को अपन काम में लेंगे। वो नियम क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है? तीन नियम होते हैं IUPAC नामकरण के। एक तो होता है सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन। दूसरा होता है अपना रूल ऑफ नंबरिंग, अंकन का नियम, मतलब नंबरिंग का नियम, ठीक है। तीसरा होता है अपना नॉमनक्लेचर, मतलब नामकरण। तो ये तीन अपने नियम होते हैं, मतलब सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करो, फिर नंबरिंग करो, फिर नॉमनक्लेचर करो उसका, सही है। मतलब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, देन नंबरिंग, देन नॉमनक्लेचर। तो ये अपने पास तीन नियम है, तीन नियमों को अपन अप्लाई करेंगे और लिखेंगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है, क्या आ जाता है ये भैया सुनना। जो एल्डिहाइड होता है, जो अपने पास एल्डिहाइड है, हाँ जी, एल्डिहाइड जो है इसका अपन क्या लगाएंगे? इसका अपन लगाते हैं अनुलग्न। और इनके अनुलग्न और पूर्व लग्न क्या क्या होते हैं उनके बारे में एक बार आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सुनना भैया, देखो एल्डिहाइड जो होता है इसका अनुलग्न, तो जो अनुलग्न वो तो क्या होता है भैया? अनुलग्न होता है इसका, हाँ जी, एल। क्या होता है? एल। इंग्लिश में अपन ऐसे लिखते हैं इसको, एल, ए एल, ठीक है। हाँ जी, ये तो उसका क्या हो गया? अनुलग्न, अनु अनुलग्न, सही है। अनुलग्न मतलब सफिक्स, क्लियर। लेकिन अगर कीटोन की बात करते हैं अपन, कीटोन, तो कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? ऑन। क्या होता है? ऑन। क्लियर है? मतलब ये इस तरीके से लगाते हैं अपन, ऑन। ये तो हो गए अनुलग्न, ठीक है। और हमें अच्छे से पता है कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनके अपन क्या लगाते हैं? अनुलग्न लगाते हैं। देखो IUPAC पे मैं अलग से बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। वहाँ पर आप उसको उधर देख लेना, वहाँ पर सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में एक वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, क्लियर। यहाँ पर अपन केवल LDH कीटोन का देख रहे हैं, तो इसको देख लो एक बार बस, केवल, सही है। कोई दिक्कत नहीं है आपको वहाँ पर। आप जैसे आपने 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि भैया जो प्रतिस्थापी होते हैं उनके तो अपन लगाते हैं क्या? पूर्व लग्न। और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो क्रियात्मक समूह होते हैं, उनके अपन लगाते हैं अनुलग्न, सही है। तो इनके बारे में पता तो होना चाहिए ना कि भैया अनुलग्न होता क्या है। एल्डिहाइड का होता है एल और कीटोन का होता है ऑन, ठीक है। लास्ट में इसके देखो ऑन आ रहा है वैसे भी, और एल्डिहाइड के इधर एल आ रहा है। तो इस तरीके से अपन इनको याद रख लो एक बार, ठीक है। एल किसका होगा? एल्डिहाइड का। और ऑन किसका होगा भैया? कीटोन का, सही है। ये हो गया। हाँ जी, अब देखो मैं एक बार आपको नामकरण करके दिखाता हूँ, फिर ये लैंग्वेज समझा दूंगा, ठीक है। देखो समझना भैया बहुत ध्यान से। देखो ये है अपने पास एथेनॉल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं वैसे तो। देखो इसका नाम CH3CHO, आपको इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले आपका नियम क्या है? वही सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करना, ये आपने कर दिया। उसके बाद आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कैसे करोगे भैया? कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम से कम नंबर मिले, ठीक है। कैसे करोगे? ये लो भैया, इसको एक नंबर, इसको दो नंबर, ठीक है। फिर आप देखो कोई प्रतिस्थापी है क्या भैया? प्रतिस्थापी अगर है तो पहले उसका नाम लिख दोगे, नहीं तो फिर सीधे आप श्रृंखला का नाम करोगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नॉमनक्लेचर करोगे, सही है। आ जाओ, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं। तो देखो भैया कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो? एथ। भैया आपको पता होगा ना अच्छे से, एक कार्बन के लिए मैथ, फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक, सेप्ट, ऑक, नॉन, डैक। इस तरीके से अपन एक से दस कार्बन तक का अपन ये यूज़ करते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं वर्ड रूट, एल्क। क्या बोलते हैं? एल्क। क्लियर? एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, क्लियर। एथ हो गया। देखो एल्डिहाइड के लिए, देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो अपन क्या बोलेंगे? एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। लो भैया दो कार्बन के लिए एथ लगाया, सिंगल बॉन्ड था इसलिए अपन ने एन लगाया, ठीक है। ओके,
अब एल्डिहाइड के लिए अपन क्या लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न लगाएंगे। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है एल, क्या होता है एल, तो एथेन प्लस एल क्या हो जाएगा, एथेन एल। लो भैया ये इसका हो गया नामकरण, क्या हो गया एथेनल, क्या हो गया भैया एथेनल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो अब इसका नॉमनक्लेचर करते हैं अपन इस कंपाउंड का। देखो ये एल्डिहाइड दे रखा है आपको, उसी सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है अपना, सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करना। दूसरा नियम क्या है अपने पास कि नंबरिंग, भैया नंबरिंग करो भैया, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये हो गया अपने पास सात। सही है, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग जैसे ही आपने कर ली, नंबरिंग के बाद आपको क्या करना होता है भैया, नंबरिंग के बाद आपको करना होता है इसका नामकरण। नामकरण में पहले अपन लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम, फिर जो कार्बन श्रृंखला है उसका नाम, फिर उसके बाद में अपन लिखते हैं क्रियात्मक समूह का नाम। सही है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम। देखो प्रतिस्थापी यहाँ पर दो हैं, एक तो है ब्रोमो, एक है मिथाइल। तो भैया आपको अच्छे से पता है कि अल्फाबेट में बी पहले आता है या एम पहले आता है, तो भैया बी पहले आता है, तो हम लिखेंगे ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो की पोजीशन क्या है भैया, चार, तो अपन क्या लिखेंगे, फोर ब्रोमो। क्या लिख दिया अपन ने, फोर ब्रोमो। आगे भैया मिथाइल, एक उसके बाद मिथाइल ही बचा हुआ है, तो मिथाइल का करेंगे। तीन पर कौन है मिथाइल, तो ये थ्री मिथाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद इस श्रृंखला का नाम करेंगे, श्रृंखला में कितने कार्बन है भैया, श्रृंखला में सात कार्बन है, और सात कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। लो भैया हेप्ट। सही है, सब में सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो हेप्टेन क्या हो जाएगा, हेप्टेन। सही है, हेप्टेन हो गया। और वन पर क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वन पोजीशन को आप लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप वन को लगा के एल लगाते हो, इस एल्डिहाइड का आप क्या लगाते हो, एल, एल मतलब हाँ जी एल्डिहाइड का अनुलग्न लगाते हो। क्या क्या लगाओगे, एल्डिहाइड का अनुलग्न। ठीक है, या तो आप यूँ लिख दो वन एल, सही है, वन पे क्या जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, तो वन एल लिख दो। या फिर यदि आप डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हो, हाँ जी हेप्टेनल, इस ई को हटाओ और एल लगाओ, तो भैया ये लो, ये भी सही है, वन एल भी सही है, और डायरेक्ट एल जोड़ दोगे तो भी सही है, क्योंकि वन पोजिशन को लिखना आप पे डिपेंड करता है, लिखो तो अच्छा, नहीं लिखो तो और भी अच्छा। ठीक है, इस तरीके से तो फोर ब्रोमो थे मिथाइल हेप्टेनल, ये इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया। इसकी बात करते हैं अपन, इधर आ जाओ। देखो वही, ये सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ना सबसे पहले क्या करोगे, साइक्लिक का चयन तो करना ही नहीं आपको, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। और तो देखो नंबरिंग करते हैं पहले, वन फिर टू, अपन देखो टू यहाँ इसको भी दे सकते थे, लेकिन इसको अपन देंगे क्योंकि अपन क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं प्रतिस्थापी, उनको कम से कम नंबर मिले हैं। सही है, तो एक दो तीन, ये हो गया चार, और ये हो गया पाँच। लो भैया सही है, तीन पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो थ्री मिथाइल। सही है, और ये क्या है, पाँच कार्बन की चेन है, मतलब साइक्लो। जब भी कभी रिंग आ जाती है, जब भी कभी रिंग आ जाती है, तो रिंग मतलब अपन वहाँ पर साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, साइक्लो कितने कार्बन की है, पाँच कार्बन की रिंग है, तो भैया साइक्लोपेंटेन। सिंगल बॉन्डी है तो साइक्लोपेंटेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कीटोन है भैया। ये क्या है, कीटोन। भैया ध्यान रखना, सी डबल बॉन्ड ओ, रिंग में जब भी आएगा ना, रिंग का कार्बन कीटो कार्बोनाइल का कार्बन, जब भी रिंग का कार्बन बनेगा उस चेन का, और साइक्लिक जो चेन है उसका कार्बन बनेगा, तो भैया ध्यान रखना हमेशा वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, वो कभी भी एल्डिहाइड नहीं होगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन, ये वाला कार्बन जब भी रिंग में आएगा तो हमेशा कीटोन ही बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से अब यहाँ पर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों एल्केल ग्रुप हो गए। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, कीटोन। तो भैया ऑन लग जाएगा लास्ट में, तो उसका नाम यदि मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइल। ठीक है, साइक्लो है, साइक्लो बहुत बढ़िया, पांच कार्बन तो पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑन, पेंटेन ऑन। ये लो भैया थ्री मिथाइल साइक्लोपेंटेन ऑन, इस तरीके से क्या हो गया, नामकरण हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, इसका नामकरण कैसे करेंगे अपन, देखो हाँ जी, जब भी कभी, सुनना भैया, जब भी कभी सी एच ओ मतलब एल्डिहाइड, ये कीटोन जो भी है, एल्डिहाइड का कार्बन यदि चेन में काउंट होता है, किस में, चेन में, भैया चेन का मतलब क्या होता है, ये सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला, यदि श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला में काउंट हो रहा है, उसमें आ रहा है, किस में, कार्बन श्रृंखला में, कौन, एल्डिहाइड का कार्बन, तो भैया हम यहाँ पर एल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एल। लेकिन यदि कार्बन श्रृंखला से बाहर जा रहा है, तो भैया हम वहाँ पर लगाएंगे कार्बेल्डिहाइड। क्या लगाएंगे, कार्बेल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि भैया अब ये काउंट नहीं हो रहा, देखो इसमें ये कार्बन ऐड हो गया ना, इसको मिला कर तो सात कार्बन हुए थे, तभी तो अपन हेप्ट बोला, इसलिए अपन ने एल लगाया। क्लियर, ये कार्बन ऐड हो गया, जब तो पांच कार्बन बने, इसलिए अपन ने ऑन लगाया। लेकिन इधर देखो भैया, इधर जब हम बोलेंगे इधर साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में तो ये आ गया भैया,
क्या आ गया, ये छह कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो क्या आ गया, साइक्लोहेक्सेन। अब ये भैया CHO, ये एल्डिहाइड का कार्बन अभी तक काम में नहीं आया, एल्डिहाइड का कार्बन अभी तक काम में नहीं आया, किसमें, कार्बन श्रृंखला में। तो भैया यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कार्बेल्डिहाइड। लो भैया, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, यदि एल्डिहाइडिक कार्बन श्रृंखला में काउंट हो रहा है तो भैया अपन एल लगाएंगे, ठीक है, और यदि नहीं हो रहा है तो कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे। क्लियर है, इसका ध्यान रखना। इसका नॉमनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले वही, सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन, फिर नंबरिंग। नंबरिंग करोगे आप, नंबरिंग कैसे करोगे, हाँ जी, 1 2 3 4 और 5, ये आप नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो भैया पेंट, कोई प्रतिस्थापित तो है नहीं, पेंट। भैया अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया, तो भैया पेंट तो आप लिखोगे, ये लिख दिया आपने पेंट, ठीक है। उसके बाद 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो 2-ईन 2-ईन। 1 पर क्या लगा हुआ है, एल। 1 पर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड मतलब एल, तो पेंट 2-ईन 1-एल। अब देखो, 1 को आप लिखना जरूरी नहीं है, तो आप इनको कंबाइंड भी ले सकते हो, मतलब इनको ईन और एल को आप एक साथ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से हटाया और 2 के बाद क्या लिख दिया, इन एल। क्या लिख दिया, इन एल, तो पैंट 2-ईन एल। क्लियर है, वैसे इसका नामकरण देखो, हाँ जी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। ये लो भैया, हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। उसके बाद देखो, ये नंबरिंग 1 2 और 3, देखो 1 से क्या जुड़ा हुआ, फिनाइल, तो 1 फेनिल हो गया। कितने कार्बन, 3 कार्बन, प्रॉप सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो 1 फेनिल प्रोपेन, और 1 पर क्या है, ऑन, तो भैया 1 ऑन। लो भैया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 को आपको लिखना जरूरी भी नहीं है, मतलब यूँ लिख सकते हो, 1 फिनाइल प्रोपेन ऑन, 1 फिनाइल प्रोपेन ऑन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ जी, कोई समस्या हो तो बताओ। ये अपन ने इनके एग्जाम्पल वगैरह भी देख लिए, क्लियर, इसको मिटा रहा हूँ मैं, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लेना, हाँ जी। देखो एक बार फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं अपन, ताकि कोई दिक्कत ना आए फिर। आइए देखिए, ब्लर कैसे हो गया थोड़ा सा, ठीक है। खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के IUPAC नाम प्राप्त करने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में स्थित ई के स्थान पर क्रम से एल एवं ओन लगा देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि यदि एल्केन है, क्या है, एल्केन, तो भैया इस ई को हटाओ और आप क्या लगा दो, एल लगा दो, अगर एल्डिहाइड है तो एल, और यदि कीटोन है तो ऑन ऑन। ये लो भैया, एल्केनॉन हो जाएगा, एल्केनेल हो जाएगा, तो ई को हटाओ और क्रम से क्या लगा दो, आप एल लगा दो या ऑन लगा दो। आइए, एल्डिहाइड में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जहाँ एल्डिहाइड समूह स्थित होता है, क्योंकि कीटोनों में उस सिरे से अंकन करते हैं जो कार्बोनिल समूह के निकट होता है। सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, हाँ जी। प्रतिस्थापियों को पूर्वलग्न के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कार्बन श्रृंखला में अंकों द्वारा स्थिति प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं। ये तो मैंने आपको यहीं पर ही नहीं, सब जगह बताया है कि जब भी आप प्रतिस्थापियों को लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे या साइड चेन नंबर को लिखोगे, तो आप उनको अल्फ़ाबेट में जमाओगे पहले, मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें उनको अरेंज करके फिर कौन पहले आ रहा है उसको आप पहले लिखोगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखोगे। इसको अपन बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करना, ठीक है। चक्रीय कीटोनों की बात करते हैं, पर भी यही नियम लागू होता है, सेम ही, जिनमें कार्बोनिल के कार्बन परमाणु की स्थिति की संख्या 1 होती है। जब एल्डिहाइड समूह वैलेंस में संयुक्त होता है तो साइक्लोहेक्सेन और चक्रीय एल्केन का नाम लिखने के पश्चात अनुलग्न कार्बोल्डिहाइड लगाते हैं। भैया यदि क्या हो, जब एल्डिहाइड समूह वैलेंस से संयुक्त होता है, अलग होता है, तो भैया उस केस में हम क्या लगाएंगे, कार्बोल्डिहाइड। क्लियर है, मैंने आपको बताई दी चीज़, जोड़ देते हैं। वलय के कार्बन परमाणुओं का संख्यांकन उस कार्बन परमाणु से आरंभ करते हैं जिससे एल्डिहाइड समूह संयुक्त होता है। सरलतम एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड समूह बेंजीन वाले पर स्थित होता है, का नाम बेंजीन कार्बोल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, जैसे अपन यहाँ पर बोला था साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। यद्यपि IUPAC नाम पद्धति का द्वारा सामान्य नाम बेंजाल्डिहाइड भी स्वीकृत है, मतलब IUPAC ने भी, देखो कुछ नाम ऐसे हैं जो कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC ने बोला कि भैया हम भी इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एसीटोन है, एसीटोन क्या है, सामान्य नाम है, लेकिन भैया IUPAC ने क्या बोला, भैया ठीक है ये हम एक्सेप्ट करते हैं, एसीटोन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजाल्डिहाइड बोला IUPAC, ठीक है कॉमन नेम है लेकिन हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हाँ जी। अन्य प्रतिस्थापित एरोमेटिक एल्डिहाइडों के नाम बेंजाल्डिहाइड की व्युत्पन्न के रूप में दिए जाते हैं। तो भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमने सॉल्व कर लिया था, हाँ जी। ये कुछ और कंपाउंड है, हाँ जी, इनके इनके नॉमनक्लेचर आप देख लेना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो मैं एक बार यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ उनको, देखो हाँ जी, ये कीटोन है और एक क्या है, एल्डिहाइड। जब कीटोन और एल्डिहाइड दोनों आ जाते हैं तो भैया हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देते हैं, किस पर, कीटोन पर। ध्यान रखना भैया, एल्डिहाइड को कीटोन पर हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, कि एल्डिहाइड को तो मानेंगे हम
क्रियात्मक समूह और कीटोन को हम क्या मानेंगे? प्रतिस्थापी। ठीक है, कभी भी सुनना भैया, कभी भी एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह नहीं होंगे। यदि होंगे तो जो प्रायोरिटी पर आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। बाकी जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे पीछे के, जो प्रायोरिटी में नहीं आ रहे हैं, उनको अपन प्रतिस्थापी बोलेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में, हाँ जी, एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों में जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, जो प्राथमिकता क्रम होता है, क्या होता है? प्राथमिकता क्रम, वो क्या होता है भैया? एल्डिहाइड को हम प्रायोरिटी देते हैं किस पर? कीटोन्स पर। सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो कैसे देंगे प्रायोरिटी, समझना भैया इस चीज़ को भी। ठीक है, सबसे पहला क्या नियम क्या होता है? सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करना। दूसरा नियम होता है नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5। सही है, अब करते हैं इसका नामकरण। देखो नामकरण में हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन जो कीटोन है, कीटोनिक ऑक्सीजन है भैया, अब ये प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में, जो कि उससे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, उसकी प्रेजेंस में अब कीटोन क्या बन गया? प्रतिस्थापी बन गया। और प्रतिस्थापी का हमेशा पूर्वलग्न लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पूर्वलग्न। भैया कीटोन जो होता है, कीटोन, कीटोन का पूर्वलग्न जो होता है वो क्या होता है? कीटोन का पूर्वलग्न होता है भैया कौन, क्या होता है? ऑक्सो। क्या होता है? ऑक्सो। क्या होता है भैया? ऑक्सो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका जब नामकरण अपन करेंगे तो क्या लगाएंगे भैया? थर्ड पोजीशन पर क्या है? ऑक्सो। तो 3-ऑक्सो, 5 कार्बन है पेंटेन, और 1 पर क्या आ जाएगा? एल। क्या हो जाएगा? 3-ऑक्सो, हाँ जी, पेंटेन, 1-एल। क्लियर है, ओके। आइए देखिए इधर, इसका नोमन किस तरह आपको करना है? उसका नोमन किस कैसे करोगे भैया? ये लो, सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप करोगे इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। 4 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो क्या हो गया? 2,4-डाइमिथाइल, 5 कार्बन है पेंटेन, 3-ऑन, पेंटेन 3-ऑन, इस तरीके से हो गया। ये कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ देखो, हाँ जी, इसको अपन क्या बोलेंगे भैया? आपको पता है कि ये जो होता है, ये वाली चीज़, इसको तो अपन क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और लेकिन 1, 2, 3, 4, 4 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हो गया? 4-नाइट्रो-बेंजल्डिहाइड। ठीक है, या फिर 4-नाइट्रो-बेंजीन-कार्बल्डिहाइड। देखो इस तरह इसका आप नामकरण कर सकते हो, लेकिन बेंजल्डिहाइड को IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है सामान्य नामकरण होने के बावजूद भी, इसलिए हम डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड ही बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, तो नाम क्या हो गया इसका? 4-नाइट्रो-बेंजल्डिहाइड। इसकी बात करते हैं अपन इस वाले कंपाउंड की। तो भैया देखो 3 एल्डिहाइड ग्रुप आ गए, तो जब भी कभी ऐसा होता है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए और एक से ज़्यादा आ रहे हैं, और तीनों के जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन हैं उनको कार्बन चेन में काउंट करना पॉसिबल नहीं हो, भैया आप कैसे भी कर लो, आप देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही गजब का एग्जांपल है ये। यदि आप इसमें क्या क्या करो, तीनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ऐड करना चाहो चेन में, तो भैया कैसे भी कर लो, कभी ऐड नहीं कर पाओगे आप। सही है, कभी भी ऐड नहीं कर पाओगे, एक एल्डिहाइड तो छूट ही जाएगा। यदि आप ऐसे लेते हो तो भैया ये वाला छूट गया। ठीक है, यदि आप ऐसे लेते हो तो भैया आप ये वाला छूट गया। ठीक है, और यदि आप इस तरीके से लेते हो तो भैया आप ये वाला छूट गया। मतलब कैसे भी ले लो, आपका एक ना एक एल्डिहाइडिक कार्बन तो छूटेगा ही छूटेगा। तो फिर आप क्या, अब आप क्या करोगे भैया? इस स्थिति में आपको क्या करना होता है? ऐसी स्थिति में आप तीनों को ही छोड़ देते हो। क्या करते हो? तीनों को ही छोड़ देते हो भैया। वही चीज़ है, छोड़ो तो एक को छोड़ो, सॉरी, यदि आप छोड़ो तो सबको छोड़ दो, नहीं तो एक को भी नहीं छोड़ना। सही है, मतलब सारे के सारे या तो चेन में आएंगे या फिर सारे के सारे बाहर रहेंगे। इनमें यूनिटी खतरनाक है भैया, बहुत खतरनाक, आएंगे तो एक साथ, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया अपने एल्डिहाइड। ठीक है, तो प्रोपेन 1, 2, 4 ट्राइकार्बेल्डिहाइड, ये लो भैया, ये इसका क्या हो गया? नामकरण हो गया प्रोपेन 1, 2, 4 ट्राइकार्बेल्डिहाइड। कैसे हो गया भैया? देखना 1, 2, 3, हाँ जी, 1, 2, 4 क्यों बोला इसको? गलत बात, 1, 2, 3 आएगा, ये गलत है भैया, ये वाला नामकरण इसका। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन, इसको ठीक कर लेना भैया आप। इसका नामकरण क्या होगा? प्रोपेन, हाँ जी, देखो 1 पर जुड़ा हुआ है एक एल्डिहाइड, 2 पर जुड़ा हुआ है एक एल्डिहाइड, और 3 पर जुड़ा हुआ है एक एल्डिहाइड। ठीक है, तो प्रोपेन 1, 2, 3, हाँ जी, ट्राइकार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड क्यों लगाया, आपके समझ में आ गया होगा, कार्बेल्डिहाइड लो भैया। ठीक है, क्योंकि रिंग में कार्बन काउंट नहीं हो रहा, इसलिए क्या बोला इसको? ट्राइकार्बेल्डिहाइड। क्लियर है, कोई समस्या हो तो बताओ भैया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सही है, ओके, देखना आगे। अब ये कुछ नाम है इनके,
इनको आप एक बार देख लेना फटाफट फटाफट, बिल्कुल सिंपल सिंपल है ये। हाँ जी, एच सी एच ओ को अपन बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, आई यू पी सी नाम हो गया मैथेनल, निकाल सकते हो एसिटाल्डिहाइड एथेनल, तो इस तरीके से आप इनके नाम निकाल लेना। वैलेरल्डिहाइड क्या होता है, एक्रोलिन क्या होता है भैया, एक्रोलिन बहुत गजब की चीज़ है ये, ध्यान रखना भैया एक्रोलिन। हाँ जी, मतलब सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, इसको अपन बोलते हैं एक्रोलिन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं एक्रोलिन, आई पी सी नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोप टू इन एल, प्रोप वन टू इन एल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इसका। ओके, ये थैलेल्डिहाइड मैंने आपको बताया था कि थैलिक एसिड क्या होता है भैया, थैलिक एसिड तो ये होता है ना सी डब्ल्यू एच और सी डब्ल्यू एच, अगर ये दोनों एल्डिहाइड हो जाएंगे इसको ऊपर बोलते हैं थैलिक एसिड, क्या बोलेंगे थैलिक अम्ल, यदि ये एल्डिहाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा थैलेल्डिहाइड, क्या हो जाएगा थैलेल्डिहाइड। लो भैया, अगर सी सी एच ओ सी एच ओ हो तो दोनों में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ऐसे ये क्या हो गया मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा थ्री ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। देखना भैया, ये कीटोन है तो कीटोन हो गया, इस तरीके से आप इनके नामकरण कर सकते हो, किसी में कोई दिक्कत आए तो बताना आप मुझे, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी कोई समस्या आए तो बता देना, ठीक है। और आई यू पी सी पे तो वैसे भी एक अलग से वीडियो बनेगी, जिसमें बिल्कुल सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को मैं एक साथ लेकर बिल्कुल बेसिक से उठाकर चलूँगा उसमें, उस वीडियोज़ में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी को भी। ओके, एक बार फटाफट से इंग्लिश वाले और देख लो। हाँ जी, देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो नामकरण है सिंपल है, बिल्कुल एल्डिहाइड कीटोन्स को सिंपलेस्ट, अपन इनके दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है अपना कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीसी नेम। कॉमन नेम की जब हम बात करेंगे तो भैया देखो, इनके कॉमन नेम्स की बात करते हैं तो जो आईयूपीसी नेम होते हैं, ठीक है, उनसे पुकारते हैं इनको, और इनके कॉमन नेम से पुकारते हैं। द कॉमन नेम्स ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको उससे बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के करस्पॉन्डिंग जो एल्डिहाइड हैं, तो एल्डिहाइड का नाम करने से पहले उनके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण आपको आना चाहिए, ठीक है। और वहीं से अपन सेम उठा लेते हैं, बस एक को हटाकर आप क्या लगा दोगे, एल्डिहाइड लगा दोगे, ठीक है। ये एक है, इसको हटाकर आप क्या लगा दोगे, ये एल्डिहाइड लगा दोगे, ठीक है। एट द सेम टाइम द नेम रिफ्लेक्ट विद लैटिन ग्रीक लेटर फॉर द, हाँ जी, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एसिड एंड एल्डिहाइड। तो जहाँ से वो मिलता है उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन ले लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड सिरका से मिलता है तो उसका नाम क्या पड़ गया, एसिटिक अम्ल पड़ गया, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो कहाँ मिलता है आपको, लाल चीटी जो होती हैं जिनका नाम है फॉर्मिका, वहाँ से मिलता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। तो यदि उसका एल्डिहाइड होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो भैया उसको अपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा से अपन रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है। ये अपने कुछ एग्जांपल थे, ये अपन ने देखे थे, क्लियर। कीटोन की बात करें तो कीटोन में वही चीज़ है भैया, जो ईथर का नॉमनक्लेचर करते थे अपन, उसी तरीके से यहाँ करेंगे अपन। वैसे कुछ के नाम तो बिल्कुल सिंपल दे रखे हैं कि जैसे ये एसीटोन हो गया, एसिटोफिनोन हो गया, प्रोपियोफिनोन हो गया, बेंजोफिनोन हो गया, ये तो क्या कर रखे हैं, आईयूपीएसी ने भी इनको एक्सेप्ट किया हुआ है, क्लियर। इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी इनका नाम देखें तो भैया डाई मिथाइल कीटोन, हाँ जी, मिथाइल फिनाइल कीटोन, इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, इथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, डाई बेंजीन कीटोन। तो इस तरीके से अपन इनका नाम कर सकते हैं, नॉन क्लेचर कर सकते हैं, क्लियर। और वो सब्सिट्यूएंट आता है तो भैया अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश कर करके अपन क्या कर लेंगे, कीटोन्स का नाम नॉमन क्लेचर कर लेंगे। ये तो हो गया कॉमन नेम, आई पी सी नॉमन क्लेचर मैंने आपको सिखाई दिया, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बस इसमें क्या करना होता है कि कोई भी आपके अगर ई है, एल्केन का ई है, इसको हटाओ और एल लगाओ, और क्या लगा दो, ऑन लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, सही है। मतलब एल्केन का ई हटाओ और वहाँ पर जैसे एल्डिहाइड है तो एल लगा दो, और यदि कीटोन है तो ऑन लगा दो, इस तरीके से अपन इसका क्या करते हैं, आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, सही है। ओके, तो ये सब सारे एग्जाम्पल थे, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इनमें, और अब अगर आती है तो आप मेरे को जरूर बताना, सही है। आप कमेंट करके बता देना कोई दिक्कत आए तो, वैसे आएगी नहीं, मैंने सारे एग्जांपल आपको समझा दिए, इस सारणी की कुछ एक एग्जांपल बच रहे हैं जो आप खुद सोल्व करना उनको, ठीक है, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे वो, क्लियर है। ओके, तो ये होता है आपने आज की क्लास, और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है। देखिए, हमने आज पढ़ा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, आज की अपनी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो अपने कॉमन नेम और आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में। तो एल्डिहाइड और कीटोन का इंट्रोडक्टरी पार्ट और आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर वो हमने पढ़ लिया है, सही है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एल्डिहाइड कीटोन इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है फंक्शनल ग्रुप की, और कैसे कौन सा संकरण यहाँ पर काम में आता है, कौन से ऑर्बिटल यहाँ पर काम में आ रहे हैं, कौन से कक्षक काम में आ रहे हैं जिनसे वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और उनकी क्या पोलैरिटी होती है, क्या उनमें बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, किस तरीके से उनकी बॉन्ड लेंथ होती है, और
किस तरीके से वो बनते हैं वो, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब कीटोन और एल्डिहाइड की जो क्रियात्मक समूह हैं उनकी संरचना में हम उनको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, सही है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। नामकरण भी हमने सीख लिया है, सामान्य भी और IUPAC नामकरण भी, ठीक है, और इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने देख लिया था। नेक्स्ट लेक्चर हम सीखेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद हम आ जाएंगे फिर इनको बनाने की विधि, हाँ एल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे, कीटोन को कैसे बनाएंगे, सही है। एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की विधि हम जब ऐसे जैसे एंटर कर जाएंगे उसके बाद हम आएंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, फिर उनकी केमिकल रिएक्शंस पर, और उसके बाद उनके उपयोग पर, ये पोर्शन खत्म। फिर कार्बोक्सिलिक हम लोग उठाएंगे, कार्बोक्सिलिक हम लोग की उसकी स्ट्रक्चर लेंगे, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लेंगे, उसके बाद हम उसके आ जाएंगे, हाँ जी उसको बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस, फिर उसके उपयोग खत्म करते हुए अपन इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर अमीन्स पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ये चैप्टर अपना 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि जैसे लास्ट लेक्चर, लास्ट जो चैप्टर था अल्कोहल फिनोल ईथर, वो अपने 7 दिन में जाके कंप्लीट हुआ है, क्योंकि उसके 22 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, तो 22 लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को जल्दी जल्दी फिनिश करूँगा ताकि अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी से अपने कवर में आए, ठीक है, ताकि आपको जो डाउट्स होंगे और जो कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको अपन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और मैं जल्दी लाइव क्लास लेकर आऊँगा जिसमें आपको इस चैप्टर का रिविज़न और साथ में NCERT के पीछे के सवाल उनको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन की जो क्रियात्मक समूह हैं उनकी संरचनाएँ, ठीक है, ओके। तब तक आप इनको पढ़ो, समझो, कोई समस्या आए तो आप मेरे को बताना, ओके, थैंक यू सो मच।